इंदौर शहर दुष्कर्म की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। उसी कड़ी में एक बार फिर एक शर्मसार होने वाली घटना सामने आई है, जहां अपने ही चार दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गई एक नाबालिग युवती के साथ चारों युवकों ने पहले युवती को नशा कराया, फिर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दरअसल यह घटना इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग युवती अपने चार साथी दोस्तों के साथ शनिवार की दोपहर पिकनिक मनाने चोरल के जंगल में गई थी। जब वहां चारों ही युवकों ने उसे अकेलापन देखा और अकेलापन का फायदा उठाकर पहले युवती को नशा करवाया, उसके बाद नाबालिग युवती के साथ सभी चार युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब युवती अपने घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसके साथी दोस्तों से संपर्क किया तो सिमरोल के जंगल तरफ होना बतलाया गया। परिजन भी देर रात तक पहुंचे और अपने साथ युवती को लेकर इंदौर आए, लेकिन वह काफ़ी नशे में थी, उसने कुछ पुलिस को नहीं बताया। वहीं पीड़िता को आरोपियों ने डरा धमकाया था कि अगर वो रिपोर्ट करेगी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। आज रविवार रात को युवती ने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर सभी आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। वहीं सदर बाजार CSP जयंत राठौर के अनुसार चार गैंगरेप करने वाले आरोपी व दो डराने धमकाने वाले आरोपियों को मिलाकर पुलिस ने सभी छह आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक बालिका है, उसकी दोस्ती कुछ आसपास के रहने वाले लड़कों के साथ थी। वो लड़के उनको कल घुमाने के उद्देश्य से चोरन तरफ ले गए थे, वहाँ पे उनको कुछ नशा करा के बालिका के साथ उनने गलत कार्य किया, इसमें थाना सदर बाजार में मुकदमा कायम किया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। सर कितने आरोपी थे ये लोग? इसमें चोरन ले जाने वाले चार आरोपी थे, और चूँकि घटना कल की थी और उनको थाने पे रिपोर्ट के लिए नहीं आने देने के लिए भी कुछ लोगों ने धोंस धपट की थी, तो दो आरोपी वो हैं जिनने धोंस दी थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों को शीघ्र पकड़ के सख्त कार्रवाई की जा रही है। सर ये लड़का लड़की आपस में पहचान थी? हाँ, लड़के और लड़की, लड़की की लड़कों से आपस में पहचान थी, वो आस पास ही रहते हैं, वो पहले से उनकी आपस में पहचान थी और उसी को लेके और वो लोग इनको चोरन तरफ ले गए। सर कुल कितने आरोपी हैं? कुल छः आरोपी। सर क्या लड़का लड़की नाबालिग हैं? अभी लड़की की उम्र 16 साल है, आरोपी जब मिलेंगे तो उनकी उम्र बताई जाएगी।